ऑफ यू आई वेलकम यू ऑल ऑन माय YouTube चैनल इट्स एट टाइम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं जैसा आप सभी को पता है जिस दिन हम ई डीएम वन की प्रैक्टिस करते हैं उस दिन हम वन वर्ड याद करते हैं और जिस दिन वन वर्ड की प्रैक्टिस करते हैं उस दिन हम ई याद करते हैं तो आप देख पा रहे हैं आज हम ई की एक और प्रैक्टिस लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं हमारी सेकेंड प्रैक्टिस है सेकेंड टेस्ट यर है आप इसे चेक बोल सकते हो अपना कि भाई कितनी हमने तैयारी की हमने इतने सारे ईडीएम वन फ्रेजेस याद कर लिए हैं तो उसके लिए मैं दस से बारह ईडियम्स ही आपके लिए लेके आती हूँ और इसको आपको पूर्ण रूप से तैयार करने के लिए काफी मदद मिल रही होगी और यहां थर्टीन है इसका मतलब जो फर्स्ट क्लास थी उसमें वन से लेकर ट्वेल्व तक हमने रिवीजन कर लिया है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं मैचिंग करा रही हूँ मैं क्लास में याद करा रही हूँ मैं आपको टेलीग्राम चैनल है एट्स एड टाइम इंग्लिश विद अलीशा मैम करके उस टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मैं ऑब्जेक्टिव वाइज दे रही हूँ तो एक बार मेरे साथ याद करा होगा नोट्स बना के रिविज़न की होगी दूसरी बार आपने प्रैक्टिस की होगी ऑब्जेक्टिव टाइप और थर्ड प्रैक्टिस आप यहाँ पर कर रहे हैं तो तीन या चार बार प्रैक्टिस करने के बाद ये डियम्स आपको कंठस्थ हो जाने चाहिए और मैं हमेशा एक कोट के साथ शुरुआत करती हूँ तो आज भी एक अच्छे से कोट के साथ शुरुआत करेंगे ताकि हम खूब मेहनत करनी है अभी खूब आगे जाना है खूब सारा पढ़ना है साथ में रिवीजन भी करना है ऐसा ना हो आगे पार्ट और पीछे सा पार्ट आगे पढ़ते चले जाए और पीछे वाला भूलते चले जाए तो हमेशा कोट बोलती हूँ आज फिर से बोलूँगी कोट एक है ना बहुत ही छोटा सा है ना पूछो मेरे से कि मेरी मंजिल कहाँ है ना पूछो मेरे से कि मेरी मंजिल कहाँ है अभी तो सफ़र का इरादा किया है ना पूछो मुझसे कि मेरी मंजिल कहाँ है अभी तो सफर का इरादा किया है ना, कि तो ना हौसला इस सफर में ना हौसला इस सफर में ये किसी और से नहीं मैंने खुद से वादा किया है तो आपको भी मन लगा के पढ़ना है अपने आप से वादा करना है कि जो सफर हम तय कर रहे हैं जो हमारे स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है मैं आपका साथ हूँ मैं आपका साथ दूंगी फैमिली पूरा आपके साथ है खूब मेहनत कीजिए काफ़ी फायदा मिलेगा अगर आप इस स्कैनो की तैयारी कर रहे हैं जो ट्वेंटी ट्वेंटी वाला एग्जाम होने वाला है या जो ट्वेंटी ट्वेंटी का भी दिसंबर में है एग्जाम हमारा या हमारे बात करें आपका मेन्स होने वाला है है ना या बात करें हम आपकी जो एस सी जी एल ट्वेंटी ट्वेंटी प्री जो दो हज़ार इक्कीस में होगा दो हज़ार इक्कीस में सी एच एल होगा सी एच एस एल होगा सी पी ओ होगा स्टैनो का पेपर होगा एम टी एस का पेपर होगा एस एस सी फेज़ सेवन फेज़ एट होगा और अगर आप उस सब की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और इंग्लिश आप अपनी मजबूत कर सकते हैं जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ इंग्लिश को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें बता दूँ बहुत ही क्लियरली कि ग्रामर में पहले फाउंडेशन पढ़िए फिर वह बेसिक का चैप्टर पढ़िए फिर एडवांस वक पढ़ना शुरू कीजिए सब कुछ समझ जाएगा उसी प्रकार से यहाँ पर पहले ईडियम फ्रेजेस की फर्स्ट क्लास देखिए फिर टेलीग्राम चैनल इंग्लिश इंग्लिश मैम रिविजन कीजिए फिर उसके बाद यहाँ पर ये यह जो प्रैक्टिस सेशन लीजिए एक एक बात आपको क्लियर हो जाएगी और आपके जितने भी डाउट्स हैं जो भी आपकी परेशानियां हैं वो भी क्लियर होंगी और आज जैसा बोर्ड पे देख पा रहे हैं आपको दिख पा रहा होगा ठीक है यह वर्ड्स है और इसके मीनिंग्स है यहाँ पर एडियम्स लिखे हैं यहाँ पर इसकी मीनिंग है आपको मैचिंग करनी है खूब अच्छे से कीजिएगा विश यू ऑल द बेस्ट और पूरे पूरे मार्क्स लेके आने हैं तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को और फटाफट फड़ से आपका टाइम स्टार्ट होता है अब शुरू कीजिएगा वही ना जो सिखा रहा था इसको तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने बहुत अच्छे से इसे कर लिया होगा और आप सबके चैनल पे एक स्माइल आ गई होगी कि हाँ हमको ईडियम एंड फ्रेजेस सच में याद हो रहे हैं राइट और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए अगर आप चाहते हैं हम लाइव बैचेस लेके आएँ आप चाहते हैं कि हम पेड बैचेस लेके आएँ ऑनलाइन बैच ले कर आएँ जिसमें आपको पूरा कंटेंट कोर्स कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर पाएँ एग्ज़ाम रेलिवेंट जो कि हम यहाँ पर आपको पूरा फिंटी ट्वेंटी जितने भी एग्जाम होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियोज़ को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करना ना भूले क्योंकि जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे उतना ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलेगा जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे हमको लगेगा कि हाँ हमारी फैमिली हमें उतना ही ज़्यादा प्यार और सपोर्ट कर रही है डेफिनेटली आप करते हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है मेरे चैनल को उनको थैंक यू वेरी मच और जो रेगुलर देखते हैं उनकी भी काफ़ी हद तक हेल्प हो पा रही होगी जो मेरी प्रयास है जो मैं कर रही हूँ आप सभी के लिए उम्मीद करती हूँ आप सबको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हो रहा होगा अगर सच में चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा नया चैनल है आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खूब ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियोस को अगर आपको लगता है कि अच्छे वीडियोस हैं रेलिवेंट वीडियोस हैं आपके एग्ज़ाम में कुछ फ़ायदा हो सकता है और अच्छे ना लगे तो डिसलाइक कीजिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो कि डिसलाइक क्यों करते हो भाई कुछ लोग डिसलाइक तो कर देते हैं है ना वीडियो नहीं आई उससे पहले डिसलाइक आ जाता है कुछ लोग तो ऐसे हैं बट समझ नहीं आता बिना देखे वीडियो को भी वीडियो को आए हुए अपलोड हुए एक मिनट भी नहीं हुआ और आपने जज कर लिया जजमेंट दे दी कि वीडियो मतलब अच्छी नहीं है पहले आप आराम से तसल्ली से दो दिन चार दिन पाँच दिन पढ़िए अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ऐसा क्या है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है जिसको मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ तो चलिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सबसे पहला वर्ड लिखा है स्प्रेड मतलब होता है फैलना लाइक वाइल्ड फायर जंगली आग की तरह बहुत तेजी से फैल गई आग है ना तो यहाँ पर हो जाएगा बहुत तेजी से तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा रैपिडली क्विकली बहुत तेजी से ठीक है अगर ईडीएम याद करना चाहते हैं तो क्लासेस में मिल जाएंगे लॉकडाउन धमाका चेक कीजिएगा एट लिखा है एट दर ग्यारहवे घंटे में कोई काम करना बारह बजने का समय ग्यारह शुरू करना मतलब लास्ट मोमेंट पर तो ग्यार ग्यार थार का हो जाएगा क्या एट द लास्ट अब लिखा लायन शेर लायन है लायन क्या है शेर है शेर का क्या बड़ा हिस्सा होगा थोड़ा बहुत थोड़ी पेट भरेगा उससे उसको बड़ा ज्यादा हिस्सा देना पड़ेगा मतलब मेजर शेयर या फिर लार्जर पार्ट ये रहा आपका आंसर अब यहाँ पर बात करते हैं बिहाइंड मतलब पीछे क्लोज और बंद दरवाजे के पीछे जो भी काम होता है कैसा होता है प्राइवेटली होता है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कहाँ गया आंसर है ना देखिएगा एक बार का ही दिख रहा है आपको लिखा है ना डन कुछ ऐसा काम जो प्राइवेटली किया जाए तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सम डन प्राइवेटली अब लिखा है नो लव लॉस्ट जब लव है जो प्यार है वो रहा ही नहीं तो वहाँ पर फ्रेंडशिप तो नहीं हो सकती मतलब क्या हो जाएगा अनफ्रेंडली नेचर होगा मतलब फ्रेंड नहीं होंगे है ना नॉट ऑन गुड टर्म्स अच्छे संबंध नहीं होंगे टर्म होता है इक्का और टर्म्स का मतलब होता है रिलेशन संबंध और गुड टर्म्स नहीं अच्छे संबंध नहीं है वहाँ पे कोई प्यार नहीं है लिखाई टू मिस द बस सपोज करो आपकी बस छूट गई मतलब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी छूट गई जैसे कि हम हम हाँ पढ़ा रहे हैं आपको और आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है एम टी एस है स्टेन है सी एच एस एल है सी जी एल है सी पी ओ है और अगर आप ढंग से नहीं पढ़े कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज है तो फिर आपका उतना बेहतर नहीं हो पाएगा जितना बेहतर आप करना चाहते हैं तो अपने अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है तो मिस द बस का मतलब क्या है मिस एन अपॉर्चुनिटी बिहाइंड wet मतलब गीले कई बार छोटे बच्चे जिद करते हैं मैं खुद नहाऊंगा और ढंग से नहाते नहीं साबुन लगा रहता है गीला हो जाता है है ना शैम्पू ढंग से नहीं करते हैं मतलब कैसे होते हैं नौ होते हैं मतलब इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं अनएक्सपीरियंसड नहीं होता इनएक्सपीरियंसड होता है वाइट एलिफेंट व्हाइट एलिफेंट से कुछ लोगों ने कमेंट किया तुम्हें क्या प्रॉब्लम बेटा जी मेरा किसी को भी हर्ट करने का उद्देश्य नहीं है मेरा सिर्फ ये तात्पर्य है कि मैं किसी भी तरीके से कोई भी वर्ड एसोसिएट करके आपको याद करा पाऊँ तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया था मायावती का कि उन्होंने मायावती जी ने बहुत सारे व्हाइट एलिफेंट बना रखे हैं जो व्हाइट पत्थर के हैं बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है और किसी काम के भी नहीं है सिर्फ सजाने के काम आते हैं है, है ना तो इसलिए मतलब कॉस्टली भी और यूजलेस भी है तो यहां पर इसका मीनिंग हो जाएगा कॉस्टली एंड यूजलेस आगे देखिएगा देखिएगा यहां पर हैंड हस्बैंड लिखा है जो हस्बैंड मुर्गी बनता हो अब जो हस्बैंड मुर्गी बनता हो मतलब क्या अपनी वाइफ जो उसकी होगी जैसा कहेगी वैसा करेगा वो मतलब अपनी वाइफ के कंट्रोल में होगा एक ऐसा हस्बैंड जो कंट्रोल में है किसके उसकी वाइफ के है ना उसको क्या बोले जोरू का गुलाम हैंडपैक्ड हस्बैंड ऑन गुड टर्म जब संबंध अच्छे होंगे अच्छे होंगे रिलेशन अच्छे होंगे तो वहां पर प्यार होगा मोहब्बत होगी है ना अच्छे रिश्ते होंगे मतलब क्या हो जाएगा? जल्दी बताइएगा कि फ्रेंडली नेचर होगा, है ना? मतलब क्या अच्छे संबंध होंगे फ्रेंडली नेचर होगा प्यार होगा वहाँ पर लिखा है थ्रो डस्ट धूल फेंकना है ना डस्ट होती है धूल इन टू आंखों में धूल झोंकना मतलब किसी को धोखा देना है ना मतलब क्या हो जाएगा जल्दी बताइएगा मिसलीड होगा डिसीव होगा धोखा देना चीट करना किसी को लिखा है बैक बोन बोन होती है हड्डी बैक मतलब पीछे पीछे की हड्डी जो हमें बैठने में उठने में सोने में करवट बदलने में इधर से उधर पलटने में मदद करती है मतलब कैसी होगी हमारी स्ट्रेंथ होगी हमारी ताकत होगी तो बैकबोन हमारी क्या हो गई स्ट्रेंथ हो गई अब जिसको प्रॉब्लम है वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो जैसे लिखा है स्प्रेड लेक वाइल्ड फायर मतलब ये हमारा थर्टीन नंबर पे हो गया ना ये हो गया फिर उसके बाद थर्टीन का आंसर हो गया ये अब लिखा है एट द एलेवेंथ हार मतलब एट द लास्ट मोमेंट ये फोर्टीनथ का आंसर है फिर उसके बाद लिखा है फिफ्टीन लाइन शेयर मतलब लार्जर पार्ट तो ये मेजर शेयर हो गया बिहाइंड क्लोज डोर मतलब सम एक्ट डन प्राइवेटली सिक्सटीन हो गया नो लव लॉस्ट होता है अच्छे संबंध नहीं है जब प्यार ही नहीं है तो अठारहवें का मिस द बस मिस द अपॉर्चुनिटी हो गया वेट बिहाइंड एयर क्या होता है इनएक्सपीरियंसड हो गया अ वाइट एलिफेंट मतलब कॉस्टली भी है और यूजलेस भी है हेल्ड uh, हस्बैंड होता है जो वाइफ के कंट्रोल में रहे ऑन गुड टर्म जिसके अच्छे संबंध हो नेचर कैसा होगा फ्रेंडली होगा अब लिखा है थोड़ा डस्ट इनटू समवन समन किसी को धोखा देना मिसलीड करना चीट करना है ना और लास्ट लिखा है बैकबोन मतलब हड्डी स्पाइन कार्ड जो हमारी स्ट्रेंथ होती है ताकत होती है तो मैं उम्मीद कर रही हूँ मुझे बताइएगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 18 में से 18 मार्क्स आए ईडियम एंड फ्रेजिस में और जिसके आ रहे हैं यकीन मानिए वो बहुत अच्छा कर रहे हैं बस आपको इतनी एथजिया से इतनी ही ताकत इतनी ही एनर्जी इतना ही जोश इतने ही पैशन से ईमानदारी से मेहनत करनी है क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं वो ज़िंदगी में जीवन में बहुत आगे जाते हैं और मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह पाक करें आप सभी की मेहनत कबूल कर लें और आपको जब खैर से नवाज़ दें आपकी सारी विशेष पूरी हों जो भी आपने सपने देखे हैं जो आपके सपने के लिए आप लड़ रहे हैं मेहनत कर रहे हैं फाइट कर रहे हैं स्ट्रगल कर रहे हैं वो जल्द से जल्द हकीकत में तब्दील हो जाए मैं बस यही उम्मीद करती हूँ दो हज़ार इक्कीस आने वाला बहुत अच्छा बीते आप सभी का और आप सबके सपने जो आपने देखे हैं वो सपने क्या हो जाए फुलफ़िल हो जाए सो so, अच्छा लग रहा है चीजें समझ आ रही हैं, तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए लाइक कीजिए इस चैनल को और तो टुडेज क्लास टिल हियर वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास टिल दैन टेक केयर बाय हैव अ साउंड बाय ध्यान रखिएगा अपना